हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु के बारे में। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम साथ साथ डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन बनाती है, इसीलिए मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे Na+, Au+, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, मेटल्स है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और कैटायन बनाती है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एनायन बनाती हैं, इसलिए इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, इन सब पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। मेटल्स मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होती है और नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होती है। हमने पढ़ा कि मेटल्स हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मेटल्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे आयरन की चेयर है, गोल्ड है, सिल्वर ज्वेलरीज है, हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं वो सब क्या है, मेटल। नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में कौन होगा, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, और लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन, गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसेस होती है वो सब नॉन मेटल में आती है और गैसेस फॉर्म में होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कलर। मेटल्स जो होती हैं मोस्टली ग्रे कलर में होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होती हैं, जैसे सल्फर है वो येलो कलर में होता है, क्लोरीन गैस जो होती है वो येलो ग्रीन कलर में होती है, और फास्फोरस जो होता है वो तीन कलर में होता है, वाइट, येलो, रेड एंड ब्लैक। ये मेटल्स हैं जो मोस्टली ग्रे और येलो कलर में पाई जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल्स जो होती है मोस्टली हार्ड होती हैं, लेकिन इसके एक एक्सेप्शन भी है। सोडियम और पोटेशियम मेटल जो होती है वो सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल होती हैं, इनको आसानी से काटा जा सकता है, इसलिए ये एक्सेप्शंस में आते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स एकदम सॉफ्ट होती हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड जो होता है बहुत हार्ड होता है, डायमंड को ना तो तोड़ सकते हैं ना आसानी से काट सकते हैं, इसलिए ये एक्सेप्शन में है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर या ब्राइटनेस। मेटल्स मोस्टली लस्टर होती है, मतलब ये शाइन प्रोड्यूस करती है, मेटल्स शाइनिंग करती है, और नॉन मेटल्स में कोई भी शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन इन दोनों के ही एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं, जो उस फैमिली का होके भी उसकी क्वालिटी शो ना करे वो क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। डायमंड और आयोडीन जो है वो नॉन मेटल होते हुए भी शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए ये दोनों एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो अपने सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और शाइन करते हैं, इसलिए ये शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है जो साउंड प्रोड्यूस करें। मेटल्स को किसी चीज़ से पीटने पर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारी बेल्स हैं, डोर बेल्स हैं, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, जिनको पीटने पर ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, इनको किसी चीज़ से हिट करने पर ये टूट जाते हैं, जैसे कोयला है, कोयले को किसी चीज़ से तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा, उसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। बेल जो होती है वो मेटल होती है, उसको किसी चीज़ से पीटने पर वो साउंड प्रोड्यूस करती है, लेकिन कार्बन, सल्फर, ये क्या है, मेटल्स हैं। कोयला किससे बनता है, कार्बन से, जिसको तोड़ने पर वो टूट जाता है लेकिन साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, ये पानी के ऊपर आसानी से तैर नहीं सकते हैं, जैसे लोहे की कील है या कोई स्टील की चीज़ है, उनको पानी में डालने पर वो डूब जाती है, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है। सोडियम और पोटेशियम मेटल जो होती है उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और ये आसानी से तैर सकते। नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए आसानी से पानी में तैर सकती हैं, जैसे पेपर या फिर लकड़ी का कोई सामान हो, पेंसिल हो या फिर प्लास्टिक का कोई चीज़ हो, वो क्या करते हैं, आसानी से पानी पर तैर सकते हैं।
जो ऑब्जेक्ट पानी पर तैर सकता है इसका मतलब है उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। जैसे हमने यहाँ पर तीन बीकर लिए, फर्स्ट बीकर में हमने फोम डाला, फोम क्या होता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए ये पानी पर आसानी से तैरता रहता है। नेक्स्ट बीकर में हमने लकड़ी ली, लकड़ी क्या करती है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए यह भी पानी पर तैरने लगती है। थर्ड बीकर में हमने लोहे का टुकड़ा लिया, जिसको पानी में डालते ही वो सरफेस पर पहुंच जाता है, मतलब डूब जाता है। इसका मतलब होता है जो स्टील के हैं या नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है और मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, इसलिए वो तैर नहीं पाते हैं। जैसे बर्फ़ और पानी है, बर्फ़ की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए वो पानी पर आसानी से तैरती रहती है। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ मेल्ट हो जाए या पिघल जाए उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिससे उनको पिघला सके, लेकिन नॉन मेटल्स जो होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेटल्स में जैसे लोहा है, आयरन जिसको बोलते हैं, उसको पिघलाने के लिए हमें 1593 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर पिघलता है। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन भी है, गैलियम और सीजियम मेटल जो होती है उनको हथेली पर लेने पर ही ये पिघल जाती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। नॉन मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन होता है, ग्रेफाइट और डायमंड जो होते हैं वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, डायमंड को पिघलाने में 4627 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फॉर दिस रीज़न ऑल यूटेंसिल्स यूज्ड इन किचन फॉर कुकिंग आर मेड अप ऑफ आयरन। जो भी हमारे घर में बर्तन बने हुए होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेटल्स के बने हुए होते हैं, जिससे उनको हीट देने पर वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, इसलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन लेड जो होता है वो सबसे कम कंडक्टर होता है हीट का। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होती है, इनमें हीट को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो आसानी से हीट को कंडक्ट कर देता है, फ्लो कर देता है, इसलिए ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये ग्रेफाइट जो होता है हमारे पेंसिल वगैरह में भी पाया जाता है। कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, अगर हम किसी मेटल का एक सिरा गर्म कर रहे हैं तो उसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उनमें आसानी से हीट फ्लो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी वस्तु को पीटकर शीट में कन्वर्ट कर देना, मैलेबिलिटी कहलाता है। मेटल्स आर मैलेबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, मेटल्स को हम आसानी से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब की हम शीट बना सकते हैं। नॉन मेटल्स डोंट शो मैलेबिलिटी, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मैलेबिलिटी शो नहीं करते हैं, इनको किसी चीज़ से पीटने पर ये टूट जाते हैं, जैसे कोयला। जैसे हम फूड रैपर यूज़ करते हैं वो भी क्या है, मेटल्स होती है। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इट मींस जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा दे उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स में आसानी से करंट को फ्लो करवा सकते हैं, जैसे सिल्वर है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जो वायर यूज़ करते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के, कॉपर के, इन सब में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इसमें हमने जो पढ़ा था ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हीट को भी प्रोड्यूस करवा दे और इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करवा देता है, इसलिए ग्रेफाइट को एक्सेप्शंस में रखा गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल्स को पीट कर या पतला करके वायर जैसी स्ट्रक्चर दे देना, डक्टिलिटी कहलाता है। मेटल्स डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो गोल्ड है उसका 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक का वायर बनाया जा सकता है।
इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब डक्टिलिटी शो करते हैं। इनके आसानी से हम वायर बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं। अब हम नॉन मेटल्स और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। रिएक्शन विथ एयर, जब मेटल्स की एयर से रिएक्शन करवाई जाती है तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो ये ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिजल्ट में क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो भी एयर से रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का बनता है। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर। जब मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। सोडियम मेटल जो होता है वो एयर और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए फायर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यही रीज़न है कि सोडियम को हमेशा केरोसिन की बोतल में रखा जाता है, पानी में कभी भी रखा नहीं जाता, क्योंकि ये पानी से और हवा से जल्दी से रिएक्ट कर लेता है और आग लगा देता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसी कारण फॉस्फोरस जो है उसको वाटर में स्टोर कर सकते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगी और एक वाइट फ्लेम दिखाई देगी। और सोडियम जो है वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते ही क्या कर देता है? आग लगा देता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है जिससे ये कॉन्टैक्ट में ना आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिड। मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे सोडियम और HCl जो होता है उनको रिएक्ट करवाने पर ये NaCl बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। लेकिन सल्फर जो होता है वो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। साथ ही इस रिएक्शन से नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर भी बनते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये नॉन मेटल्स और मेटल्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं। तो मेटल्स हमेशा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में पाए जाते हैं। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के एक एक करके सारे यूजेस पढ़ेंगे। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स। हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं वो सब किससे बने होते हैं? मेटल्स से बने होते हैं। सेकेंड है कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो, इलेक्ट्रिक वायर्स, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो भी किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं, चाहे वो कॉपर के हो, एल्यूमिनियम के हो, सिल्वर के हो, गोल्ड के हो। आपने देखा होगा कि कई घरों की छत पर टैन शीट डली हुई होती हैं, वो किसकी बनी हुई होती है? एल्यूमिनियम और आयरन शीट्स की बनी हुई होती है, जो घर को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। कई मेटल्स जो होती हैं वो ज्वेलरी बनाने में काम आती है, कॉइन बनाने में काम आती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, ये सब किस में आती है? ज्वेलरी डिज़ाइन करने में काम आती है। नेक्स्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर। हमने पढ़ा कि मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, अकेला ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। थर्मामीटर क्या होता है? जिससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। सोडियम मेटल जो होती है वो इम्पोर्टेंट मेटल होती है, इससे सोडियम क्लोराइड बनाते हैं जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं जिसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं जो बेकिंग सोडा होता है या खाने वाला जो सोडा होता है वो भी इससे आसानी से बन सकता है। जैसे हमारी मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम कहाँ होती है? प्लांट्स में भी होती है, जो प्लांट्स को कलर देती है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो प्लांट्स येलो कलर के हो जाएंगे। और मैग्नीशियम रिबन भी होता है जो फ्लैश लाइट में यूज़ किया जाता है। एक एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होता है जो वाटर प्रूफिंग क्लोथ्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है।
लेड जो होता है वो भी मेटल्स में आता है। लेड का यूज़ जैसे कॉस्मेटिक सामान होता है, सिंदूर, लिपस्टिक या फिर प्रिंटिंग मशीन में जो इंक भरी जाती है उसमें भी लेड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स के यूजेस पढ़ेंगे। सल्फर जो होता है वो एसिड बनाने में, मेडिसिन बनाने में और गन पाउडर बनाने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस एक नॉन मेटल होता है जिसका यूज़ मैचस्टिक, माचिस की जो तिल्लियाँ होती है उस पर जो रोगन लगा हुआ होता है वो रेड फॉस्फोरस होता है, और इसका यूज़ क्रैकर्स जो पटाखे होते हैं उसमें भी किया जाता है। ग्रेफाइट जो है उसका इलेक्ट्रोड्स के रूप में भी यूज़ होता है, और पेंसिल की जो लीड होती है उसमें भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। और नॉन मेटल्स में जितनी भी गैसेस थी उन सब का भी अलग अलग यूज़ होता है। जैसे ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में काम आती है, नाइट्रोजन गैस जो है वो चिप्स के पैकेट में भरी जाती है ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, आग लगाने से रोकती है। जो फायर एग्जिस्टर होते हैं उनमें CO2 गैस भरी जाती है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, वाटर बना लेती है, इसलिए यह भी बहुत यूज़फुल होती है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस के साथ आर्गन गैस भरी जाती है, और नाइट्रोजन का यूज़ आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उसमें भी हीलियम गैस और नाइट्रोजन गैस दोनों भरी जा सकती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस सर्दियों में जम जाती है, इसलिए सर्दियों में नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाती, हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है नोबल मेटल्स या फिर इनर्ट मेटल बोल सकते हैं। नोबल मेटल्स कौन सी होंगी, जो ना वाटर से रिएक्ट करेगी, ना एयर से रिएक्ट करेगी और ना ही एसिड से रिएक्ट करती है। जैसे गोल्ड, गोल्ड जो होता है वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए गोल्ड में कभी भी रस्टिंग नहीं लगती है, गोल्ड कभी भी काला नहीं होता है। अगर उसमें कुछ मिलावट की जाती है तब ही गोल्ड काला पड़ता है, वरना नहीं पड़ता है। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन इससे ज्वेलरी नहीं बनाई जाती, इसलिए इसमें कुछ मिलावट करते हैं। हम जो गोल्ड की ज्वेलरी यूज़ करते हैं वो 23 कैरेट की या 22 कैरेट की बनी हुई होती है, क्योंकि 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है अलॉयज। अलॉयज को मिश्र धातु बोलते हैं। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको अलॉयज कहा जाता है। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिलाकर जो कंपाउंड बनाया जाता है वो अलॉय होता है। जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, ये सब क्या है, अलॉयज है। ब्रास जो होता है जिसको पीतल बोलते हैं वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज कांसा जो होता है, जो पहले ज़माने में यूज़ करते थे कांसे की थाली वगैरह, वो कॉपर और स्ट्रॉन्शियम से बने होते हैं। एक होता है डच मेटल जिससे मेडल वगैरह बनते हैं, वो क्या होते हैं, कॉपर और जिंक का ही मिक्सचर होता है। एक जर्मन सिल्वर होता है, यह भी एक तरह का अलॉय होता है। यह कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर को कहा जाता है। सिल्वर में सबसे अच्छी तरह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। नेक्स्ट है फायर ऑफ ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रिस्तान की आग किसको बोलते हैं, वाइट फॉस्फोरस को, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस जो है वो अंधेरे में चमकता है, इसलिए जो कब्रिस्तान में हमारी हड्डियाँ होती है हड्डियों में वाइट फॉस्फोरस पाया जाता है, इसलिए अगर कब्रिस्तान में कोई हड्डियाँ पड़ी हुई है तो वो रात में क्या है, चमकती है, इसलिए इसे फायर ऑफ ग्रेवयार्ड कहते हैं। थर्ड है हैवीएस्ट मेटल, हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम को कहा जाता है। लाइटेस्ट मेटल लिथियम को कहा जाता है। और जो सबसे सॉफ्ट मेटल्स होती हैं वो सोडियम और पोटेशियम होती हैं। सबसे जल्दी रिएक्ट करने वाली मेटल भी यही होती है, सोडियम और पोटेशियम। नोबल मेटल्स जो होती हैं जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम होती हैं। और अर्थ पर सबसे ज़्यादा जो मेटल पाई जाती है वो एल्यूमिनियम होती है, और सबसे ज़्यादा नॉन मेटल जो पाई जाती है वो ऑक्सीजन होती है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी फ्लो नहीं होती है, वो लेड होती है, और इसका यूज़ हमने पढ़ा था कि कॉस्मेटिक सामान्स बनाने में लेड का यूज़ किया जाता है। और कार्बन जो होता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, इसके सबसे अधिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं,
और ये सबसे अधिक यूज़ में आता है। मेटल्स विथ हाई डेंसिटी, जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वो होती है ऑस्मियम, ये हैवीएस्ट मेटल भी होती है। और मोस्ट मैलिएबल और डक्टाइल मेटल जो होती है गोल्ड होती है। इसकी शीट भी बना सकते हैं और इनके वायर भी बना सकते हैं। और हमने पढ़ा कि 1 ग्राम गोल्ड से कम 2 किलोमीटर लंबा भी वायर हम बना सकते हैं। लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो होती है वो प्लेटिनम होती है। द मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टंगस्टन होती है। और अगर नॉन मेटल की बात हो तो नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का होता है। सबसे हार्डेस्ट मेटल जो होती है वो प्लेटिनम होती है। और अगर नॉन मेटल की बात हो तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। इसी तरह हम नए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।